मेथी खिचड़ी थी। और ये जो लच्छेदार रबड़ी है इसी दूध से बनती रहती है, ठंडी में 4 महीना लगाते हैं। ये जाड़े का मेवा है क्योंकि ये देखिए हाथ में, ये देखिए अंदर इसमें नीचे बटर भी पड़ा हुआ है। इसके अलावा भी कहीं मिलता है ये? ये कहीं नहीं मिलता। स्टेशन के पास का सामान है तो बहुत ज्यादा हमें विश्वास होता नहीं स्टेशन के पास का सामान ले लो। ये 50 रुपए का कुल्हड़ है भाई, बहुत ही ज्यादा हैवी है। वैसे तो प्रयागराज की बड़ी स्पेसिफिक चीजें हम आपको ऐसे भी दिखाते रहते हैं, आपकी रिकमेंडेशन भी हम सारी जितनी भी है सब कवर करने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन ठंडी के समय में प्रयागराज की जो फूड मार्केट होती है ना और जो फूड आइटम होते हैं वो पूरे चेंज हो जाते हैं। बड़े अलग अलग चीज़ें ठंडी में आपको चौक में भी और भी जो पॉश इलाके हैं पुराने इलाके हैं वहाँ देखने को मिलेगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं EFT, और EFT में आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसा सामान जिसका नाम आपने इससे पहले सुना होगा, और अगर चौक में रहते हैं तो खाया होगा, लेकिन अगर चौक के अलग कहीं और जगह रहते हैं तो बहुत ही मुश्किल है कि आपने इसका नाम भी सुना हो और खाया भी हो। नाम वैसे इसको मेथी चावल कहते हैं, और रीज़न ये है कि ठंडी में ये बहुत गर्म होती है तासीर मेथी की, बहुत फायदेमंद भी होती है, बहुत फायदेमंद भी होता है। गुजर रहा था अंकल जी का भगोना दिखा तो मुझे लगा शायद मक्खन मलाई वाला भगोना है ये, तो आके भैया से पूछा, कह रहे हैं क्या कहते हैं इसका नाम क्या है? मेथी खिचड़ी। और ये मीठी रहती है कि नमकीन? नमकीन रहती है। तो 20 रुपए का बिना बटर के साथ और 25 रुपए का बटर के साथ देते हैं ठीक। सिर्फ ठंडी में 4 महीना लगाते हैं। लोकेशन बताइए अपने जगह की। ये गढ़ी सराय नुक्कड़ है, गढ़ी सराय लोकनाथ गेट से जब आप इधर चलने लगेंगे नुरुल्ला रोड की तरफ तो 100 मीटर 200 मीटर आगे ही आपको बाएं हाथ में इनका ठेला दिख जाएगा। और ये सुबह कितने बजे से लगाते हैं आप? 6 बजे लग जाते हैं। सुबह 6 बजे लग जाता है? अरे वाह। अच्छा अंकल जी, प्रयागराज में इसके अलावा भी कहीं मिलता है ये? ये कहीं नहीं मिलता, सिर्फ यही मिलता है। और अच्छा, में दर्द वो खा सकता है, कमर में दर्द है, गर्म दिल्ली आदमी जाड़े में खाता है इसको। तो एक प्लेट खा ले दिन भर के लिए सफिशियंट है। तो जो लोग शाकाहारी जैसे वो लोग अंडा नहीं खा सकते हैं तो वो इसको खाएं। हाँ सब खाते हैं। तो ये मेथी खिचड़ी कह लीजिए हमको, पर स्टार्टिंग में समझा मीठी खिचड़ी नहीं, ये मेथी खिचड़ी है ये। तो ठीक है, एक लगवाते हैं और आपको भी टेस्ट करके दिखा। जाड़े का मेवा है क्योंकि इस मेथी की तासीर होती है गर्म, और ये जाड़े में इसको ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। जोड़ को मजबूत करती है, जोड़ों को मजबूत करती है। साथ में ये देखिए अंदर इसमें नीचे बटर भी पड़ा हुआ है, और ये 25 रुपए की है मेथी खिचड़ी। वाह भाई, ये बटर ना भी पड़ा हुआ अंकल जी तो बहुत ही स्वादिष्ट है ये। हल्का सा ये जो मेथी का कड़वापन, मेथी का है ना, मेथी का कड़वापन है, और मेथी बड़ा फ़ायदेमंद होती है, फ़ायदेमंद होती है। तो भाई वैसे भी मेथी हमको पसंद है, मेथी करेला ये सब जो तीखी चीज़ें वो हमें पसंद है, बटर डाल के जब आप खाएंगे ना तो एकदम अलग टेस्ट। तो अगर हेल्दी चीज़ खानी है तो बटर मत डलवाइएगा, 20 रुपए खाइएगा। और जिसको पसंद है ना मेथी वेथी या कुछ फ़ायदेमंद चीज़ खानी है वो तो मेरे ख्याल से 2 प्लेट रगड़ देगा इसको। आप देखो ये हर जगह दिखेगी आपको मेथी, ये देखिए, और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो आज एक सेकेंडरी चीज़ है, उसके अलावा फ़ायदेमंद बहुत है जाड़े में। तो जाड़े में इस तरीके की चीज़ आपको हर जगह नहीं मिलेगी। जब आप 20 से 25 का लेंगे ना तो आपको ये बटर मिलेगा, आधा रहता है अंकल जी ना बटर, ये हाफ इसका चला जाता है इसमें। तो अगर डायरेक्ट मेथी से लोग सलाह देते हैं कि डायरेक्ट मेथी खाई, वो कड़वी रहती है, और अगर मेथी खाना ही है तो आप इस वाले फॉर्म में मेथी खा सकते हैं खिचड़ी के साथ, तो टेस्ट भी रहेगा साथ में आपके पेट में मेथी भी जाएगी, तो दोनों फ़ायदा हो गया आपका। तो इस जगह पर आइए सुबह 6 बजे से कितने बजे तक लगाते हैं अंकल जी? साढ़े दस बजे तक उस 10 बजे से पहले आ जाए तो मिल जाएगा ठीक है। तो ये एक ही भगवाना लगाते हो, 10 बजे से पहले आइए। और एक यूनिक दुकान है आपको हर जगह नहीं मिलेगी, गढ़ी सराय में ठीक। ये ठेला आप देख लीजिए, और ये रोड जो जा रही है इधर ये लोकनाथ की तरफ जा रही है, और इधर जो है ये नुरुल्ला रोड की तरफ। तो यहाँ पे आइए, ये अंकल जी लगाते हैं भगोने में मेथी खिचड़ी 20 रुपए की बिना बटर के साथ, और मेरा सजेशन ये है कि आप बटर के साथ खाइएगा, ये अमूल बटर यूज़ करते हैं ये वाला, इसका हाफ टिकिया जो है वो पड़ जाता है ना पूरा। तो अभी हम लोग हैं एट प्रेजेंट प्रयागराज जंक्शन पे, तो और एक बड़ी स्पेसिफिक चीज़ यहाँ पे मिलती है, खुल्दाबाद वाला रोड है जो खुल्दाबाद के लिए जाती है, जो रोड रबड़ी मिलती है, खुरचन मिलता है, और बहुत ढेर सारी चीज़ें, और इस तरीके की दुकान 1-2-3 काफ़ी ढेर सारी हैं, लेकिन एक प्रसिद्ध दुकान पुरानी दुकान पे हम खड़े हुए हैं। दूध भी 2-3 तरीके का, सिंपल वाला दूध भी मिलेगा फेटा हुआ, उसके अलावा रबड़ी भी मिलेगी और रबड़ी दूध भी मिलता है। तो आप बाहर लगा हुआ कड़ाह भी देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा कड़ाह है, इसमें परमानेंट दूध उबलता रहता है। तो आइए अंकल जी से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि भैया कैसे बनाते हैं, कितना प्राइस है, और स्टेशन के पास का सामान है तो बहुत ज़्यादा हमें विश्वास होता नहीं स्टेशन के पास के सामान का। तो ये देख रहे हैं कड़ाह इतना बड़ा, ये कड़ाह अंकल जी अलग से बनवाए हैं स्पेशली इतना बड़ा?
बनाया हुआ है, ये दूध उबल रहा है। और ये किनारे क्या लगा हुआ है? ये अच्छा रबड़ी, ये मलाई वाली रबड़ी है, वो वाली लच्छे वाली रबड़ी। तो मतलब इसमें जो मलाई पड़ती रहती है इसको उठा उठा इस पे लगाते रहते हैं। ठीक ठीक, तो ये रबड़ी का रेट क्या रहता है? 500 रुपये किलो। 500 रुपये किलो, तो दोनों में देते हैं, छोटी क्वांटिटी में भी, ज़्यादा क्वांटिटी में भी लेना चाहे तो आदमी ले सकता है। वो भी दे देंगे। क्या रेट रहता है? कितनी पुरानी दुकान हो गई आपकी? 70 साल। इस जगह पे 70 साल पुरानी दुकान हो गई। सब दुकानें ही उतनी पुरानी है कि सबसे पुरानी दुकान आपकी हम मान के चले? रबड़ी और दूध की। तो आपके पास दूध रहता है ये वाला, इससे जैसे रबड़ी बना रहे हैं, रबड़ी दूध भी देते हैं। दूध का रेट क्या रहता है? दूध 30 रुपये का एक कुल्हड़ बड़ा। बड़ा वाला कुल्हड़ 30 रुपये का, और रबड़ी दूध कितने का रहता है? 50 का। तो भाई यही दो चीज़ें हैं, आपको सामने ही दुकान पे दिख जाएगा। इतना बड़ा करा लगा हुआ जिसमें दूध उबल रहा है कॉन्टीन्यूसली, और ये जो लच्छेदार रबड़ी है इसी दूध से बनती रहती है। ये 500 रुपये केजी है दूध फेट के जो है, वो 50 रुपये का रबड़ी वाला, और सिंपल दूध 30 रुपये का। तो आइए दूध ट्राई करते हैं इनका रबड़ी वाला, साथ में इनकी रबड़ी भी ट्राई करेंगे, और टेस्ट तो आपको हम बताने वाले हैं। भाई यही पीछे बन रहा है और हमने इनका रबड़ी दूध ले लिया है। ये कुल्हड़ में सर्व करते हैं, देखिए देसी सामान देसी तरीके से सर्व करते हैं इसी कुल्हड़ में। ये 50 रुपये का कुल्हड़ है जिसमें नीचे रबड़ी पड़ी हुई है, खुरचन वाली, या इसको कह दिए लच्छे वाली। उसमें दूध डाल दिया गरम गरम जो ये सामने बन रहा है। तो इसको खाने का तरीका क्या होता है अंकल जी? पहले दोनों चीज़ें मिलाएं। अच्छा पहले रबड़ी खा ले फिर दूध। तो ये रबड़ी, इसमें क्वांटिटी देखिए कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में रबड़ी पड़ी हुई है, और ये ऊपर मलाई वही वाली जो इसमें बन रही है वो पड़ी हुई है। ये 50 रुपये का है ये भाई, बहुत ही ज़्यादा हैवी है, देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा हैवी। इसको ट्राई करते हैं, ये देखिए मलाई देख रहे हैं, वाह हल्का सा स्वीट, एकदम नॉर्मल मीठा, मतलब बहुत कम मीठा, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है। यही चीज़ अगर बहुत मीठी हो जाती है ना तो मज़ा ना आती, फिर तो फिर वो चीनी वाला छोटा हो जाता। लेकिन ये देखिए अंदर रबड़ी भी पड़ी हुई है ये, और ये मलाई वाला टेस्ट ना, ये जो ऊपर लगा हुआ है इसमें, क्या बात है भाई साहब। ये देखिए दोनों को मिला लीजिए, फिर पहुँचिए सीधे स्वर्ग में। वाह ये देखिए, देख रहे हैं मतलब इसको मिलाने में इतना थिक हो गया है ये देख रहे हैं, ये थिकनेस देखिए इसकी। अब हमको लगता है कि रबड़ी और दूध दोनों मिला के ट्राई कर लिया, हमको सिर्फ रबड़ी ट्राई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रबड़ी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें पड़ी हुई है कि ये 50 रुपये का कुल्हड़ है। अगर एक कुल्हड़ आपने ट्राई कर लिया तो उसके बाद फिर कुछ और खाने पीने की जगह बचती नहीं। लोकेशन हम आपको बता देते हैं कहाँ पे हैं हम लोग। इस समय हम प्रयागराज जंक्शन में खड़े हुए हैं, मेन गेट आपको सामने ही दिख रहा है, ठीक है। प्रयागराज जंक्शन के मेन गेट से जब खुल्दाबाद वाली रोड पे चलेंगे, जो खुल्दाबाद चौराहे के लिए जाती है, तो राइट साइड में आपको 3-4 दुकानें दिख जाएंगी। एट प्रेजेंट हम बीच वाली दुकान पे खड़े हुए हैं जहाँ सामने करा चल रहा है, और ये देख रहे हैं कैसे उबल रहा है। अभी यही मलाई उठा उठा के ऊपर डालेंगे तो ये लच्छे वाली रबड़ी बन जाएगी, ठीक। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका। वाह भाई साहब, हर बाइट में मतलब ऐसा लग रहा है कि रबड़ी ही पी रहे हैं, दूध नहीं पी रहे हैं, इतना ज़्यादा थिक है। और इसको नीचे से मिला रहे हैं ना, ये देखिए रबड़ी ऊपर आ रही है, ये देख रहे हैं नीचे से मिला रहे तो रबड़ी ऊपर आ रही है। तो थोड़ा स्पेसिफिक सामान था, थोड़ा अलग था, और मैं तो यहाँ से स्टेशन से बहुत बार गुजरता रहता हूँ, मैंने देखा भी, लेकिन दरअसल क्या रहता है ना, स्टेशन वाले सामान मुझे विश्वास होता नहीं, हम प्रयागराज में रहते हैं तो। और 2-3 जगह मैंने आपको दिखाई भी स्टेशन पर, ये भी उसी में इंक्लूड हो सकती है, क्योंकि अच्छा सामान है, सिंपल है, और कोई मिलावट वाला चीज़ आपको सामने यहाँ दिख नहीं रहा है, सिंपल दूध ही उबल रहा है, ठीक। 50 रुपये का ये कुल्हड़ है, तो इसको पीजिए आप, और स्टेशन पे आप जानते ही हैं सामान का क्या हालचाल है, लेकिन ये टेस्ट में अच्छा है, वाह। तो इसको पीना बनता है प्रयागराज में। प्रयागराज में जैसे वैसे कहते हैं ना, दूध, रसगुल्ला, मलाई, ये सब बड़ा पसंद करते हैं अलग सारी चीज़ें। तो एकदम प्रयागराज स्टेशन से थोड़ा सा आप आगे आएंगे, आपको यहाँ पे 2-3 दुकानें दिख जाएंगी, और बीच वाली दुकान पे आपको आ जाना जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, क्योंकि वहीं मैंने ट्राई किया तो वहाँ दिखा रहे हैं, बाकी सेम ही दुकान होंगी। तो इस तरीके की प्रयागराज की बहुत अलग अलग चीज़ें, जितनी डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं वो सब हम आपको दिखा ही रहे हैं, उसी में ये भी इंक्लूड हो गया है। बाकी आप अपने अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन जो हमें दे रहे हैं वो देते रहिए, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।